गिर रहे हो गिर गए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदीप। आप सभी का स्वागत है ट्रेवलर बाई पैशन में। इस बार मैं हिमाचल का वीडियो शेयर कर रहा हूं। हमारा ये टूर 2016 को नवंबर के महीने को हुआ था, तो हम 2 नवंबर इस टूर के लिए घर से निकले थे बाई ट्रेन। वर्धमान स्टेशन से कालकाता तक बाई ट्रेन पहुंचे थे। और अभी जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये अगले दिन 3 सुबह का है। यूपी के प्रयागराज स्टेशन से पहले गोघाट क्रॉस कर रहे हैं। और उसके अगले दिन सुबह 5 हम कालका स्टेशन पहुंच गए थे। और कालका स्टेशन पहुंचने के बाद हमने 9 के लिए एक गाड़ी बुक किया, क्योंकि दोस्तों अगर हम अलग अलग से गाड़ी लेते यहां से मनाली या मनाली से काजा, इससे हमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता, इसीलिए हमने एक गाड़ी बुक कर लिया था 9 के लिए। तो हमें से कोई छोटे से बिजनेसमैन है, तो कोई सरकारी कर्मचारी, तो कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है। सभी अपने अपने कामों से छुट्टी लेके घूमने आया है और लगातार किसी ना किसी के फ़ोन में कॉल आ रहा था और सभी इस बात को लेके मजाक कर रहे थे। असल में ये एक खुशी था, क्योंकि एक बड़ा सा ग्रुप टूर करने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है ये सिर्फ उसी को पता होगा। जो लोग ग्रुप टूर करते हैं वही लोगों को मालूम होगा। तो दोस्तों, हमारा कालका से मनाली तक जो जर्नी था वो 7 ही शुरू कर दिया था हमने, लेकिन गाड़ी के टायर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए हमारा 3 बर्बाद हो गया और फिर हमें मनाली पहुंचने में शाम हो गया था। तो दोस्तों, इस टूर का प्लान हुआ था आज से 5 पहले, और 4 पहले हम 120 दिन पहले हम सुबह बहुत लंबा लाइन में लग के हम रिजर्वेशन कर लिए थे। तो दोस्तों, हम जब प्लान कर रहे थे तो शिमला और मनाली का प्लान कर रहे थे, लेकिन बाद में हमें कुछ एडवेंचरस चाहिए था, क्योंकि हमें पहाड़ से हट के कुछ चाहिए था। हम दार्जिलिंग, गैंगटॉक, मेघालय, अरुणाचल बहुत से पहाड़ देख लिया था, लेकिन पहाड़ से हट के कुछ चाहिए था, इसीलिए हमने इसमें काजा, स्पीति वैली, नाको टापू, कल्वा, ये सब हमने बाद में ऐड किया, क्योंकि स्पीति वैली, नाको टापू जो है बहुत ही हाई अल्टीट्यूड का है और इधर रोड भी नहीं है, कुछ एडवेंचरस करने को मिलेगा, इसलिए हमने ये साइड प्लान किया था। और इस टूर के लिए हमने कोई गाड़ी या पहले से होटल बुक नहीं किया था। हम सभी कालका पहुंचने के बाद हमने कालका स्टैंड में से एक गाड़ी रेंट में लिया था, और बाकी सब जगह पहुंचने के बाद हम अपने हिसाब से होटल बुक किया था। तो दोस्तों, हमारा जो टूर का प्लान होता है वो हम खुद ही डिसाइड करते हैं। बहुत से ब्लॉग्स या फिर पोस्ट सोशल मीडिया में और भ्रमण पत्रिका जो होता है न्यूज़पेपर के साथ आता है, वो सब हम फॉलो करके ही प्लान बनाते हैं अपने हिसाब से।
तो फाइनली हम एक टनल क्रॉस करने के बाद मनाली सिटी पहुंच गए। फिर हमें होटल लेना था, तो ड्राइवर साहब से जब बात किया तो उन्होंने बहुत होटल में लेके गया, 2-3 होटल में लेके गया, लेकिन हम वहाँ पर नहीं रहे क्योंकि बहुत रेट ज़्यादा बोल रहा था। फिर हमने एक होटल में जाके रूम के बारे में बात किया तो 800 रुपये में रूम मिल गया था और हमने 3 रूम बुक किया था। तो दोस्तों हमारा आज का डेस्टिनेशन था मनाली और असली टूर का शुरुआत तो कल से होगा। कल से हम साइट सीन करेंगे, फिर परसों हम काजा की तरफ जाएंगे रोहतांग पास होके। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कीजिए और भी ऐसा वीडियो देखने के लिए।